सभी में आपको वंदन करें। आइए एक छोटा सा गीत का दूसरे को महिमा के लिए गाएंगे, सब अपने आपको वंदन करें और मेरे नीचे से दूर दूर गीत को दूर बताएं। हालेलुया। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, स्वार से भर जाओ। तो मुश्किल को तो गए तू ही तो मेरा।
तेरे बरकत के लिए, तेरे बेदारी के लिए, तेरे सफर के लिए तो हमारे जीवन में दिया है, आदर मान सम्मान के लिए तो हमें जीवन में दिया है, हम तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं। और ये देखो प्रभु जी कि आज इससे समय लेते हो, इसे इस्तेमाल कर, मैंने इधर तो न हो के बोलो बातचीत कर, सभी प्रकाशन तो दे और आत्मा प्रकाशन तो दे मान पिता, इसे मेरे परिवार को नगरी सभा जीवन को किसी सबको प्रभु शहर को सब भविष्य में आपके लंबे ठाकुर हम करके आपके दो के पांच और दो के आठ अनुसार को जी और आयु एक के दस अनुसार आ जाकर लिया और यदि तो होती कि मैं इधर तो बोल न होकर बोल बात से करता पिता का धन्यवाद करते कि अवश्य पिता को बैठे हो गए बैठो सारी महिमा तो इसी देते तो ईश्वर के नाम आपने हालेलुया। कितने समय तक सुनना चाहते हैं आप लोग? कितने समय तक सुनना चाहते हैं कि भूख लगा है? हालेलुया। आज तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि खाना भी बना है आज यहाँ पर और मुझे भी बाहर जाना है, लेकिन परमेश्वर के हाथों सौंपता हूँ, भले मैं लेट से जाऊंगा लेकिन आप लोगों को बैठाऊंगा यार। हालेलुया। लोगों परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे चुना है और आज मैं यहाँ पर आने पाया। हालेलुया। क्यों चुना, कब चुना, कैसे चुना, परमेश्वर के लोग आज इसके बारे में देखेंगे बाइबल से। आइए हम निकालेंगे इफिसियों के पुस्तक एक अध्याय उसके तीन वचन को पढ़ेंगे। रोमियो ग्रंथी पहला ग्रंथ दूसरा ग्रंथ उसके बाद गलाती है उसके बाद एफिसी है। पढ़िए। नहीं बात करेंगे एक दूसरे से बहुत दबा जाएगा। अब बात करके सुनेंगे यार कोई वचन को पढ़िए लेख मत दीजिए इफिसियों की पुस्तक एक अध्याय से तीन वचन को। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूं बहुत से सुनिएगा ध्यान से इधर। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आशीष दी है। हालेलुया। देगा, देने वाला है, ऐसा लिखा है क्या? दी है, सारे आशीषों को पहले से दी जा चुकी है। हम मानते हैं ना कि प्रभु ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कर वैसा कर जगह कर दी है, स्वर्गीय स्थानों ने सारी आत्मिक आशीष को दी है उसने पहले से। हालेलुया। और आज हम माता के घर में आकर किसी के सुसमाचार सुनने के बाद आकर यहां पर चुने गए, ऐसा नहीं है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। सृष्टि पहले कि हम लोग पहले, यहां बताइए परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया कितने दिन में? छह दिन में। हालेलुया। उसके बाद हम लोगों को बनाया, सही है? सही बोल रहे हैं आप लोग, सही है। आइए देखें बहुत ध्यान से। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक एक या पांच सौ निकालेंगे। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने
उस पर चित्र लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का अभिषेकता ठहराया। हालेलुया। परसेंट के लोगों, कोई पढ़कर कोई बढ़कर विश्वता नहीं पड़ता, छाप पहले से लगा होता है। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर कहता है यहां कर यहां पे कि मैंने तुझ पर चित लगाया। हालेलुया। जातियों का परमेश्वर मैंने तुम्हें गर्भ में रचने से पहले जिसका कुछ भी अस्तित्व नहीं था। हालेलुया। कोई सोच विचार भी नहीं था कि ये व्यक्ति जन्म होने वाला है, उसको गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने छाप लगाया स्वर्ग से भविष्यता फैलाने के लिए। हालेलुया। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। हालेलुया। पहले से अभिषेक गर्भ में रचने से पहले क्या कर दिया परमेश्वर ने, अभिषेक कर दिया। ये जो स्वर्गीय आत्मिक जो आशीष है पहले से परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है, दे दी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता कराया, वैसे भजन संहिता की पुस्तक पढ़ेंगे 139 के 13 को, मैं पढ़ते जाऊंगा आप लोगों को लेट होगा फिर वचन छूट जाता है। हालेलुया। 13 में क्या कहता है प्रश्न के लोग देखिए, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी कौन है, तू है, तूने मुझे क्या किया माता के गर्भ में रचा है। कितने लोगों का है मन का स्वामी परमेश्वर, कितने लोगों का है बताइए, आप खड़ा कीजिए, आप लोगों का मन का स्वामी परमेश्वर है कि नहीं, आप खड़ा कीजिए, कि सीरियल है मन का स्वामी। हालेलुया। ये मोबाइल है। हालेलुया। मन को अधिक जिसमें आप लगाएंगे वही आपका मन का क्या है, वो स्वामी है। चाहे आप खाना पे लगाओ, चाहे खाना बनाने पे लगाओ, चाहे उसको स्वादिष्ट करने में लगाओ, या टीवी मोबाइल या अन्य चीजों में, फिर परमेश्वर में लगाओ जब संगति नहीं। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तू ही ने मुझे माता के घर में क्या किया है, गर्भ में रचा है। हालेलुया। और 15 का वचन कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थान में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हालेलुया। गुप्त स्थानों में हम बनाए जाते हैं पुरुषों के लोग। हालेलुया। हमारे हर एक चीजों को परमेश्वर जानता है। 16 का वचन कहता है, तेरी आंखों ने मेरे कमजोर डंडों को देखा और मेरे सब अंग जो तीन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। बनाने जाने से पहले मेरे सारे अंग जो है परमेश्वर का कहां लिखे हुए हैं, पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। विचार आने से पहले कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है, वो पुस्तक में लिख दिया है। हालेलुया। रोमियों की पुस्तक आकर है उसके 37 को पढ़ेंगे हम लोग। जैवन से ही बढ़कर हैं। हालेलुया।
38 का वचन कहता है कि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु न प्रधान न जीवन न स्वर्ग न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। एक शब्द आया है यहाँ पर हमारा जो मसीह यीशु में जो प्रेम हालेलुया। आप इस मंडल में करके रखिए इस प्रेम के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा इसी वचन में हालेलुया। उस प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकेगा हालेलुया। चाहे एक नई सृष्टि भी आ जाए तो परमेश्वर के लोगों को अलग नहीं कर सकता। भजन संहिता 139 से 16 को फिर से पढ़ेंगे हम लोग। तेरी आंखों ने मेरे विधवा तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बढ़ते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया हालेलुया। रचे जाने से पहले इस पुस्तक में हमारा वर्णन है प्रसन्न के लोग हालेलुया। दूसरा चीज देखेंगे यहां पर हम यशायाह की पुस्तक 49:1 में निकल गए मेरी ओर कान लगाकर सुनो हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। हालेलुया हालेलुया। आज आपको कोई पकड़ के चर्च में लाया आज आपको पकड़ के आपको कुछ समझाया ऐसा नहीं है परफेक्ट लोगों को हालेलुया। वचन कह रहा है हमारे स्वर का हे दीपो हे मेरी ओर कान लगाकर सुनो हे दूर दूर राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भवती में से बुलाया जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। और क्या नाम बताया? जातियों का फरिश्ता। हालेलुया। क्या नाम बताया? जातियों का भविष्यवक्ता। मैंने तुझे गर्भ में रखने से पहले तुझ पर क्या किया है? सीधे लगाया है और तुझको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। आवाज नहीं करेंगे आपके जगह में दूसरों को डिस्टर्ब होगा। बात करना है तो बाहर में जाकर बात कर लीजिए। हालेलुया। पांच को पढ़ेंगे इसी का यहोवा जिसने मुझे जन्म से ही इसलिए रचा कि मैं उनका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं अर्थात इस तारीख को उनके पास इकट्ठा करूं क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। यहां पर दो नाम आया है प्रसन्न के लोगों याकूब और इसराइल। हालेलुया। याकूब का मतलब जानते हैं आप लोग? क्या है याकूब का मतलब? हालेलुया। याकूब का मतलब धोखा देने वाला। हालेलुया। क्या फिर झूठा समझ सकते हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसका नाम इस्राएल रखा उसी को यहां पर लिखा स्पष्ट तब यहोवा जिसने मुझे जन्म नहीं से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होगा याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं। हालेलुया। जो झूठ गया है संसार संसार में वास करने वाले हालेलुया जो सत्य को नहीं जानते उनको क्या करने के लिए परमेश्वर ने चुना है परमेश्वर के लोगों को रचा है गर्भ में रखने से पहले और बुलाया है परमेश्वर के लोगों को इसराइल को उसके पास इकट्ठा करो क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। हालेलुया। सही बोलिए यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर क्या है? मेरा बल है। हालेलुया।
समझ में आ रहा है कि प्रार्थना करेगा? हालेलुया। जानना भी बहुत जरूरी है परसों लोगों की, हम कहां से उठाकर कहां लाएं और किस चीज पर आज हम स्थिर हैं और इसके बाद हमको कहां जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मान लीजिए लॉकडाउन के चलते पिछले साल का जनरल प्रमोशन हो गया बच्चों का, अब इस साल भी जनरल प्रमोशन कर देंगे, 5 साल तक जनरल प्रमोशन कर देंगे तो कुछ जान पाएंगे लोग? उनको सिर्फ प्रमोशन से मतलब रहेगा? नया ड्रेस खरीदना है से मतलब नहीं, नया मुझसे मतलब नहीं, ट्यूशन से मतलब नहीं, पढ़ाई से मतलब नहीं, जनरल प्रमोशन हो गया। प्रमोशन तो करेगा परमेश्वर हमारा, लेकिन हमको भी उसके बारे में जानना जरूरी है कि हमारा अस्तित्व क्या था और आज हम क्या हैं, आने वाले समय में क्या होने वाले हैं। हालेलुया। तब कुछ मतलब निकलेगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। नहीं तो सिर्फ ताली बजाते ही बजाते हैं, स्वर्ग तक जाएंगे और वहां जब पूछा जाएगा तो सावधान खड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ खाए नहीं है तब तो उसका डाका आएगा हमारे मुंह से। हालेलुया। दूसरा चीज देखिए परमेश्वर के लोगों, इफिसियों 1:4 अब खुलेगा जो हमने कहां पर देखा, रोमियों 8:37-38 हमने देखा ना कि मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, वो यहां पर है उसका फिर खुलेगा। इफिसियों 1:4 पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और नहीं चाहते से देखिए। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति आप लोग बोल रहे थे कि सृष्टि पहले उसके बाद हम लोग बने, लेकिन वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। मैंने आपको 3 बार बोला, आपने बोला कि पहले सृष्टि उसके बाद हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहां पर क्यों ऐसा कह रहा है? हालेलुया। जैसा उसने हमसे जगत की उत्पत्ति से पहले, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हालेलुया। सृष्टि के पहले से ही हमको क्या कर दिया है? हालेलुया। सृष्टि रचना हुआ, आदम हुआ बना, नाना प्रकार के पीढ़ी आए, कई हजार साल उसके बाद में हम लोग आए, कई हजार लाखों सालों से पहले बाद में आने वाले मुझे मान लीजिए, है आदम के बाद, सृष्टि के बाद में आदम भाव के बाद, कितने लाखों सालों के बाद में, सैकड़ों हजारों लाखों सालों के बाद में मैं जन्म लिया, उससे ही पहले परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए चुन लिया है जातियों का भविष्यवक्ता कहलाने के लिए। हालेलुया। याकूब को और इसराइल को उसके पास लौटाने के लिए जो भटक गए हैं। हालेलुया। चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम प्रेम का हो और निर्दोष हो। उसके प्रेम में और वही प्रेम में प्रभु परिषद के लोगों जो मसीह में हम में है, हमसे है, और उस प्रेम से हमको कोई रद्द नहीं कर सकता। पद 5 क्या कहता है पढ़िए सीधा। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। हालेलुया। हमें पहले से ठहरा दिया है कि हम मसीह के पुत्र होंगे। हालेलुया। आज मेरा कैंसर चला हुआ तो मैं मसीह आया, ऐसा नहीं है पर सकते हो। हालेलुया। तू भटक चुका है, तू भटकने वाला है। हालेलुया। तुझे मैं कुछ चिन्ह दिखाऊंगा तेरे जीवन में और तू मेरे पास वापस आएगा। परमेश्वर का एक योजना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, लाजर जब मर गया था तो मार्था मरियम ने कहा नहीं प्रभु तू यहां होगा तो ऐसा नहीं होगा, मेरे भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया।
ये जो मृत्यु है मृत्यु नहीं क्योंकि क्या है परमेश्वर की महिमा की है। हालेलुया। और आज भी किसी को कैंसर हुआ, किसी का किडनी फेल हुआ, किसी का बीमारी हुआ और आज मसीह में आए हैं वो परमेश्वर की महिमा की योजना है। हालेलुया। आपको तो घर में रखने से पहले आप परमेश्वर ने चित्त लगाया है। परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर ने इकाई को ठहराया। परमेश्वर से हम प्रतिज्ञा के बारे में बात करते हैं। आपने इब्राहिम साथियों का आपसे प्रेम रखा, उसकी आज्ञा मान परमेश्वर पिता आपने उनको आशीष दिया। हालेलुया। लेकिन आप देखते हैं जकरिया की पत्नी थी वहां से, अब्राहम इसहाक और याकूब की पत्नी थी वहां से। क्यों? परमेश्वर के साथ चलने वाले, परमेश्वर से बातचीत करने वाले, उसके आगे का पालन करने वाले। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा ताकि उन पर क्या हो जाए, प्रकट हो और वो दृढ़ विश्वास कर सके कि हाँ तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। आइए और देखेंगे वचन में दूसरा चीज सुनियो दो के पास, मैं वहां से आपके बात करूंगा और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। दूसरा से स्टूडियो दो के 13 को पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के कारण निकट हो गए हो। तुम हे भाइयों, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। नहीं हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। आदि का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रथम, और प्रथम हम सृष्टि को मान रहे हैं। हालेलुया। मानते हैं आदि से पहले ही क्या करके आए परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हालेलुया। चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सुन तो लिया गया है लेकिन विश्वास के द्वारा आत्मा पर को प्रतीति करना है, यीशु मसीह पर, तब हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। अरे सुन तो लिया है, उद्धार नहीं हुआ है उस सभी लोग। अरे ये योजना बनाया परमेश्वर ने कि किसको कैसे उसको उद्धार की कथा सुनानी है ताकि उसका उद्धार हो जाए। अरे तो परमेश्वर ने महिमा की इस योजना को बनाया। आइए ही बातें हैं इसी में और मत्ती 25 के 34 को। तब राजा अपने राणी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धनी लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। मेरे अभी घर की बनने के कारण जगह तैयार नहीं हुआ है और सभी लोगों, जगत के आदि से ही पहले लिए मेरे लिए क्या तैयार हो चुका है? स्वर्ग में स्थान तैयार हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है यहां पर स्पष्ट पढ़िए, तब राजा अपनी रानी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धनी लोगों, हालेलुया, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। पहले से तैयार किया गया है। हालेलुया। आइए और देखते हैं वचन रोमियो 8 का 19 पढ़ेंगे।
तीन ठोकर खाली वजन कर दीजिए, उसके बाद प्रार्थना लीजिए। क्योंकि जिन्होंने उससे पहले से जान लिया है, उन्हें उससे उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों की कमजोरता कर ले। हालेलुया। क्योंकि जिन्हें उससे पहले से जान लिया है, परमेश्वर ने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम किसके स्वरूप में है? परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में। हालेलुया। ताकि वह बहुत भाइयों के लिए पहलौठा हो। हालेलुया। तीस क्या कहता है पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और उन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। हमें धर्मी भी ठहराया और हमें महिमा भी दिया है परमेश्वर की तो। हालेलुया। एक आदर सम्मान। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य करना, मुर्दों पर जीतना। हालेलुया। हालेलुया। तुमने पुत्र का पिता के नाम की क्या कर महिमा कर। हालेलुया। 33 को पढ़ेंगे इसी का। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाए? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदि से पहले चुन लिया है, उस पर कोई दोष लगा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि लिखा है इस पर परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहा है कि मैंने तुमसे एक वचन कहा है जिसके कारण तुम क्या हो? क्या हो? शुद्ध हो। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस एक कदम को पढ़ेंगे। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन पर एक दो पढ़ना है भाई। और परमेश्वर पिता की ओर से ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़को जानने के लिए चुने गए। हालेलुया। अब सुनिए, इसलिए हम लोग आदि से पहले चुने गए हैं। गौर कीजिएगा सभी जन, इस वचन को जाकर आप घर में पढ़ना। पहला पत्रस एक के दो को क्यों हमको मसीह परमेश्वर ने आदि से पहले चुना? जगत के उत्पत्ति से पहले क्यों चुना? हम पर क्यों चित लगाया? हमको जाते परमेश्वरता क्यों ठहराया? हमको यहाँ पर क्यों लाया? इस स्थान में क्यों लाया? हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से समझेंगे और घर में जाकर आप गौर से बार बार पढ़ना इसको। यही में हमारा जीवन छिपा हुआ है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान परमेश्वर का क्या था? हमारा चुना जाना भविष्य ज्ञान परमेश्वर जानता था कि आने वाले समय में मैं क्या होने वाला हूँ, पैदा होने वाला हूँ। हालेलुया। के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, हालेलुया, आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। आज्ञा को मानने के लिए और यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने के लिए हम क्या किए गए? चुने गए। हम यीशु मसीह का लहू छिड़का गया, यीशु के लहू को छिड़के जाने के लिए हम पर क्या किया गया है? हमें चुना गया। हालेलुया। मैं यही लिख कर आया हूं, सब अपने अपने बाइबल में देख। हालेलुया। स्पष्ट लिखा है यहां पर। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हमें चुना गया है, तो हमें डरना है क्या? डरना है क्या? कई जने बोर हो गए लग रहा है। हालेलुया। खाना बन गया है, ज्यादा नहीं लगेगा। इधर ध्यान दीजिए गौर से, अब हमको डरना है क्या? तो क्या कहना है अब हमको? हालेलुया। निकालिए, मैं नहीं बोलूंगा। वचन संहिता 118:17 को, मैं ना डरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का क्या करता रहूंगा? वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। आप इस वचन को बार बार बोलिए, आपका मृत्यु भी आता रहेगा और चला जाएगा वापस। हालेलुया। वचन संहिता 118:17 वचन को निकाल दिया, अब पढ़ लीजिए फिर प्रार्थना करूंगा।
मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया, गवाही देना क्या है? परमेश्वर के कामों का वर्णन करना है। परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर के साथ दिन क्या, मेरे साथ को क्या, मेरे प्रार्थना के लोग संग हुए। हालेलुया, तो ईश्वर के लहू के शरीर के जाने के लिए हम चुने गए हैं, जिसके लिए आपको डरने की आवश्यकता हमें नहीं है। वरन कहना है कि मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यह हवा के कामों का क्या करूंगा, वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया, आइए सब एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे एक पल के लिए और उसी का नाम बोले लाइन हम जिससे गाएंगे फिर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, सभी अपने आंखों को बंद करें। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सावर से भर जाऊं। हालेलुया।